हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लास 10 आईसीएसई का चैप्टर नंबर 1 है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लास्ट ईयर ये वाला जो चैप्टर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ कंसेप्ट आपको इसके पता होने चाहिए। कुछ टर्म्स है जो इस चैप्टर के अंदर यूज होते हैं, जो है सेलिंग प्राइस एसपी, जिस चीज पे जिस अमाउंट पे कोई चीज ली या दी जा रही है उसे बोलेंगे उसका सेल प्राइस। कोई किसी चीज को किसी अमाउंट में बेचा है तो क्या हुआ उसका सेल प्राइस या एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एनपी या लिस्ट प्राइस पता है आपको क्या होता है, जिस पे वो मार्क होती है उसे उसका लिस्ट प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा उसके मार्क प्राइस में से माइनस किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ऑलरेडी पता है, एसपी सीपी वाले क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी करते रहे हैं। बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो आपको जो उसका कॉस्ट है चीज का, उसके अलावा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी होती है। कई बार आप देखो रेस्टोरेंट में जाओगे तो रेस्टोरेंट में अगर आप कुछ खरीदते हो, मान लो आप मैगी से कुछ चीज खरीदते हो, बर्गर लेते हो, तो बर्गर की कॉस्ट मान लो 80 रुपीज है, 80+ टैक्सेस। जो टैक्सेस है वो क्या है हमारा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई भी चीज आप खरीदोगे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, कोई सर्विस आप यूज करते हो तो भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी को दो तरीके से कैरी किया जा सकता है, एक होता इंट्रा स्टेट और एक होता इंटर स्टेट। बात करते हैं इंट्रा स्टेट क्या होता है। जब एक ही स्टेट के अंदर हम चीज को देखते हैं देखते हैं तो क्या होगा, वो इंट्रा स्टेट। मान लीजिए मैं गाजियाबाद हूं, मैं गाजियाबाद से मेरठ में किसी को देखता हूं, गाजियाबाद भी यूपी में और मेरठ भी यूपी में, तो क्या होगा वो इंट्रा स्टेट। लेकिन जब इंटर स्टेट मतलब मैं गाजियाबाद हूं और मैं सोचता हूं कि मैं जाके मान लो हरियाणा में किसी को कुछ देता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यूपी से हरियाणा में अपनी चीज को बेचा, तो क्या हो गया वो इंटर स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हो तो इंटर स्टेट है, और सेम स्टेट के अंदर हो गए तो इंट्रा स्टेट है। अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी मतलब जो आपकी जीएसटी वो दो हिस्सों बढ़ती है, एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एक होता है एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेट है तो केवल सिर्फ आईजीएसटी बोलेगी, इंटीग्रेटेड जीएसटी इकट्ठा एक ही जगह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा कैसे हम सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसका एसपी कितना है, एसपी है 1000 रुपीज, और रेट ऑफ जीएसटी मान लीजिए उसने कहा जीएसटी जो है उस पर वो है 10%, जैसे मान लिया हमने कि 10% जीएसटी है, ठीक है। वो मान लीजिए कहां से कहां गया, वो गया गाजियाबाद से कानपुर, गाजियाबाद और कानपुर दोनों के दोनों यूपी के अंदर लाई करते हैं, इसका मतलब क्या लगेगा हमारे पास, इंट्रा स्टेट वाला कंसेप्ट लगेगा। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, पहले निकालते हैं इसका सीजीएसटी टोटल रेट कितना था 10%, इसे हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे तो सीजीएसटी कैसे मिलेगा 5% ऑफ 1050 रुपीज, ये हमारा क्या हो गया सीजीएसटी हो गया। फिर निकालेंगे एसजीएसटी, एसजीएसटी कितना होगा वही 5% ऑफ 1000 सेल प्राइस का निकालते हैं, कितना आया सेम आएगा 50 रुपीज। तो टोटल जीएसटी कितना होगा 50+50 100 रुपीज। तो प्राइस पेड मतलब टोटल प्राइस पेड जो होगा इंक्लूसिव जीएसटी कितना होगा 1000+100 कितना है 1100 रुपीज। ये वो पैसा है जो किसी बंदे ने इसलिए पे किया क्योंकि उसने कुछ चीज को खरीदा और जो कि 1000 रुपीज की थी, इस पर 10% जीएसटी था तो 5% उसने सीजीएसटी दिया, 5% उसने एसजीएसटी दिया, ऐसा देने के बाद टोटल जीएसटी जोड़ी और उसका प्राइस पेड निकाला। मान लीजिए अगर डिस्काउंट होता, मान लो डिस्काउंट होता 100 रुपए का, तो हम क्या करते 1000 में से माइनस करते 100, तो फिर हम 900 पे निकालते हैं, मतलब 5% ऑफ 900 निकालते हैं, 5% ऑफ 900 निकालते हैं। अगर हम यही केस लेते हैं, वही सेम बंदा था, वही एसपी थी, वही वो थी जीएसटी थी, बस वो गाजियाबाद से कानपुर न बेच के उसने क्या करा, गाजियाबाद से मान लीजिए उसको बेच दिया पटना, गाजियाबाद क्योंकि यूपी में और पटना कहां पर है बिहार में, दो स्टेट चेंज हुई, इसका मतलब क्या रहेगा यहां पे इंटर स्टेट वाला कंसेप्ट। तो उसके लिए निकालते हैं सीधा आईजीएसटी, आईजीएसटी को इकट्ठा करते हैं कितना 10% ऑफ 1000, तो कितना है 100 डायरेक्ट है। अब भी टोटल प्राइस पेड कितना हुआ, अब भी सेम ही आया
1000 प्लस 100 1100, अमाउंट सेम है लेकिन दोनों का तरीका क्या है, वहां पे आपको एफ जीएसटी और सीजीएसटी अलग अलग निकालनी थी, यहाँ पे आपको इकट्ठा ही आप उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी एफ जीएसटी निकालनी है, जो भी आपका जीएसटी का परसेंट गिवन है उसे हाफ और डिवाइड कर दो। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के सीजीएसटी गिवन है तो एफ जीएसटी क्या होगा, जितना परसेंट सीजीएसटी उतना ही परसेंट क्या होगा, एफ जीएसटी होगा। इंटर स्टेट में केवल आईजीएसटी निकलता है और एक इंटीग्रेटेड अमाउंट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अभी हम इसी कंसेप्ट को लेकर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये चीजें और आपको क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन है और समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन से, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप लोग कमेंट्स में भेज सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। एमआरपी दे रखा है, मान लीजिए एमआरपी एक आइटम है 12,000 का, एक आइटम है 15,000 का, एक आइटम है 9,500 का, एक आइटम है 18,000 का। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है सब पे, इस पे है 30% डिस्काउंट, इस पे है 20% डिस्काउंट, इस पे है 30% डिस्काउंट, इस पे है 40% डिस्काउंट। सीजीएसटी दे रखा, ध्यान देना सीजीएसटी दे रखा है, सीजीएसटी कितना रखा है 6%, 9%, 14% और 2.5%, ये सीजीएसटी दे रखा है। अगर आपको सीजीएसटी के 6% तो इसका एसजीएसटी भी क्या होगा 6% इसी क्वेश्चन में, ऐसी एसजीएसटी का 9%, दूसरे का 14% और 2.5%। आपसे पूछा है कि ये अगर आइटम कोई खरीदता है सारा तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ बिल बताता है कि टोटल बिल कितना बैठेगा, टोटल अमाउंट ऑफ बिल बताता है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसपी निकालना पड़ेगा। पहले फर्स्ट वाले का एसपी कैसे निकालेंगे, उसको डिस्काउंट कितना 30% पे, इसका मतलब खरीदा कितने में 70% पे, तो इसका क्या होगा 70% ऑफ 12,000 पहले का एसपी, दूसरे क्या आएगा 80% ऑफ 15,000 दूसरे का एसपी, तीसरे क्या आएगा 70% 30% डिस्काउंट देगी 70% ऑफ 9500 और इसका कितना आएगा 60% ऑफ 18,000। ये सब क्या निकलेंगे एसपी। अब आप एसपी निकालेंगे, पहले क्या आया, पहले वाले का ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 80 और 70% ऑफ 12,000 तो कितना आया 8400, 70% ऑफ 12,000 यहां पर 0 है, 70% ऑफ 12,000 8400 रुपीज पहले वाले का एसपी आया। ऐसे हम दूसरे का एसपी निकालेंगे, ये कट जाएगा और ये कितना जाएगा 12,000 कितना जाएगा 12,000। इसके बाद ये कितना जाएगा, तीसरे वाले निकालेंगे जाएगा 6650 और ऐसे हम इसका निकाल लेंगे, ये कितना जाएगा हमारे पास 10800। ये सारे हमारे पास क्या गए सबके एसपी आ गए। तो सबसे पहले काम किया गया, हमें गिवन किया था एमआरपी गिवन था, डिस्काउंट गिवन था, तो हमने डिस्काउंट करके पहले सबके एसपी निकाल दिए। अब मैं निकाल लिया सीजीएसटी, पहले वाले की सीजीएसटी देखो क्या होगी, पहले वाले 6% है, 6% ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी 6% ऑफ 8400। अब क्योंकि सीजीएसटी निकालिए तो क्या निकालेंगे एसजीएसटी निकालेंगे, वो भी क्या होगा 6% ऑफ 8400 पहले वाले की सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे। तो पहले वाले की जो हमारे पास सीजीएसटी आएगी वो कितनी आएगी 6% ऑफ 8400 तो कितना आएगा 504 रुपीज। अगर ये 504 है तो ये कितना होगा 504 रुपीज ही होगा, सेम क्या अमाउंट है। सेकेंड वाले की इसमें 9% है तो 9% ऑफ कितना एसपी था 12,000 का 9% निकालेंगे तो कितना आया 1080। अब 1080 इसका आया, ये भी क्या होगा, ये भी निकालना पड़ेगा 9% ऑफ 12,000, ये भी कितना आएगा सेम 1080।
तीसरे वाले में कितना 14% ऑफ, आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि आप टैक्स जीएसटी सीएसटी अलग अलग दिखाएंगे। 14% ऑफ 12,000 6650, ठीक है, तो ऐसे यहां भी निकालेंगे 14% ऑफ 6650, सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे कितना 931, ये भी कितना आएगा 931। सिमिलरली 2.5% ऑफ कितना होता 10800, कितना आया 270, तो एक्स जीएसटी भी निकालना पड़ेगा क्या, 2.5% ऑफ 10800 कितना आया 270। अब मैं बिल निकाल रहा है, तो बिल कैसे निकलेगा, बिल टोटल बिल, तो पहले फर्स्ट आइटम की एसपी 8400 प्लस उसका सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना 504 प्लस उसका एचजीएसटी कितना 504, ये प्लस कर लेंगे। ऐसे सेकंड आइटम, सेकंड आइटम का क्या है, एसपी कितना है 12,000 प्लस उसका सीजीएसटी 1080 उसका एचजीएसटी 1080। ऐसी थर्ड आइटम, थर्ड आइटम का एसपी कितना है 6650 प्लस उसका सीजीएसटी 931 एचजीएसटी 931, ये जोड़ लिया। ऐसी थर्ड आइटम, थर्ड आइटम कितना था, फोर्थ आइटम 10800 एसपी प्लस टैक्स 270 प्लस 270, इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना आएगा 4,34,420। एक बार अपने आप आंसर चेक करिए, सॉल्व करके देखिए और ये आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो एमआरपी की बनता है, डिस्काउंट की बनता है, सीजीएसटी की बनता है, पहले हम डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तो एसपी आएगा, एसपी का फिर एसपी से 6% सीजीएसटी निकलेगा, जितना सीजीएसटी उतने एसजीएसटी, सब सीजीएसटी एसजीएसटी को जोड़कर और एसपी को जोड़कर टोटल हमारा अमाउंट आएगा। एक बार अपने आप करके देखिएगा, आंसर वेरीफाई करना और फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके उतार ले सकते हैं। अब हम इसमें एक लास्ट कंसेप्ट करने वाले हैं, अब आता है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए समझो, टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कह सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझने वाला हूं आपको, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर भी और क्वेश्चन के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई चीज है, कोई आइटम था जो कि 1000 रुपीज का था, जो पहले 1000 का था, 1000 का सेल हुआ था, तो गवर्नमेंट को उसका 10% मान लो उसका क्या था टैक्स था, तो 10% ऑफ 1000 रुपीज गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुके थे। फिर मान लीजिए वही चीज किसी ने 1500 खरीद ली, तो फिर टैक्स कितना हुआ 10% ऑफ 1500 150 रुपीज। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें पूरा टैक्स, कितना टैक्स चाहिए हमें, उतना टैक्स चाहिए जितनी बार वो लास्ट टाइम, जो उसका लास्ट सेलिंग टाइम होगा, जो भी आपके जो आइटम है गुड्स है उसका जो लास्ट सेलिंग प्राइस होगा उसका जो 10, अगर रेट जितना 10% तो उसका 10% हमें चाहिए केवल। तो अगर मान लीजिए बीच में चीज बिक रही है तो क्या होगा, किसी ना किसी के पास टैक्स लायबिलिटी होगी, और टैक्स लायबिलिटी या नेट जीएसटी का फॉर्मूला होता है नेट जीएसटी इक्वल टू जीएसटी चार्ज माइनस जीएसटी पे। मैं फिर समझाता हूं इस चीज को, मैंने बताया कि पहले वो 1000 रुपीज की थी, तो उसका 10% के हिसाब से 100 रुपीज गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुके थे, अब 1500 की बिकी तो गवर्नमेंट को जाने चाहिए 150, इस 150 में से तो ऑलरेडी गवर्नमेंट 100 ले चुकी है ना, तो अभी गवर्नमेंट का कितना हिस्सा बचा केवल और केवल 50 रुपीज का ही, तो 50 रुपीज है, यही हमारी नेट जीएसटी है या जीएसटी लायबिलिटी है। देखो निकालते कैसे इसे, ये होता है नेट जीएसटी इक्वल टू जीएसटी चार्ज माइनस जीएसटी पेड, जीएसटी चार्ज करते हैं अपने सेल प्राइस पे, एसपी पे हम उसे चार्ज करेंगे और पे किस पे करेंगे, अपने कॉस्ट प्राइस सीपी पे उसे पे करेंगे, ठीक है। जितना भी अगर मान लीजिए दोनों में सेम रेट ऑफ परसेंट है, मान लीजिए भी 10% ये भी 10% है, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट का 10% निकाल देंगे, तो भी क्या होगा नेट जीएसटी जाएगा। इसी चीज को करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा फॉर ए डीलर ए, एक डीलर ए है, फॉर ए डीलर ए
द लिस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, लिस्ट प्राइस कितना है उसका, एमपी कह सकते हैं लिस्ट प्राइस को 9000 है, विच इज सेल्ड टू डीलर ए के लिए, विच इज सेल्ड टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस। अब हमने उसको बी ने खरीदा, बी का सीपी में पता नहीं, सीपी ऑफ बी हमने एक्स वन लिया। बी सेल टू कस्टमर सी, हमारे उसने सी को बेच दिया किसपे, एट दिस प्राइस, मतलब सी जो सी की सीपी है, सी की सीपी या ए की एसपी जो भी मैं कहता हूं, बी की एसपी कह सकता हूं, बी की जो एसपी है वो कितना है 9000, क्योंकि उसने लिस्ट प्राइस पे देखा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 18%, अब जीएसटी कितना है, जीएसटी का रेट कितना है 18% है, एंड नेट जीएसटी पेड, जो जीएसटी पेड नेट जीएसटी जो है जीएसटी पेड बाय बी वो कितना है 324 जो गवर्नमेंट के पास भी है। कह रहा है फाइंड द अमाउंट पेड बाय डीलर बी, मतलब आपको प्राइस पेड बाय डीलर बी निकालना है, ठीक है। हम इस समझने की कोशिश करते हैं, देखो हमारे पास एक गुड्स था जिसका आइटम सिर्फ एमपी 9000 थी, डीलर बी ने क्या करा उसे कुछ डिस्काउंट का खरीदा, उसकी सीपी हमें पता नहीं, लेकिन देगा कितने पे 9000 पे। जो नेट जीएसटी गई बी के द्वारा वो कितनी थी, वो 324 थी। तो हमने भी पढ़ा नेट जीएसटी का फॉर्मूला, नेट जीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी चार्ज माइनस जीएसटी पे, ये फॉर्मूला बना दे। अब नेट जीएसटी कितना गया 324 इक्वल टू जीएसटी चार्ज, चार्ज किस पे करेगा आपने एसपी पे, तो उसके एसपी कितना था 9000, तो क्या करेगा 18% ऑफ 9000 माइनस जीएसटी पे, माइनस जीएसटी पे। अगर हम इसका जीएसटी पेड निकालते हैं, जीएसटी पेड वो कितना आएगा, वो आएगा इससे माइनस 18% ऑफ 9000 माइनस 324 काट लेते हैं हम लोग, जीरो माइनस 324 1296 क्या उसका जीएसटी पेड, ठीक है, जीएसटी पेड कितना उसका 1296। अब देखो हमें पता है जीएसटी पे कैसे करते हैं, जीएसटी कैसे पे क्या होगा उसने भाई, जो उसका सीपी था जो उसका खरीदा उसने एक्स वाला एक्स इंटू 18% ऑफ एक्स इंटू 18% ऑफ एक्स, क्या कह सकते हैं 18% ऑफ एक्स, जो उसका जीएसटी होगा 18% ऑफ एक्स वो कितना 1296 है। तो यहां से एक्स निकालेंगे, एक्स क्या होगा 1296 अपॉन 1296 इंटू 100 अपॉन 18, यहां से निकल जाएगा एक्स, एक्स क्या इसका सीपी, सीपी मतलब ये बिना टैक्स वाला, अगर उसे काट के निकालते हैं वैल्यू को 6318 61, अब योन भी कटेगा तो एक्स आया 7200, तो उसने कितने खरीदा 7200 का, लेकिन उसका प्राइस पेड कितना होगा 7200 प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना 1296, तो कितना प्राइस पे करेगा 6948, कितने रुपीज 8496 रुपीज क्या करेगा वो पे करेगा। कैसे निकाला, पहले हमने क्या किया एक्स निकाला, एक्स उसका सीपी है और उसमें टैक्स जोड़ दिया तो 8496 रुपीज वो पे करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने टैक्स लायबिलिटी वाला क्वेश्चन कैसे दिया, पहले हमें नेट जीएसटी निकाला है, नेट जीएसटी क्या होता है जीएसटी चार्ज माइनस जीएसटी पे, चार्ज इस पे करते हैं अपने एसपी पे, उसका एसपी 9000 था उस पर चार्ज करा माइनस पेड इक्वल टू नेट जीएसटी जो कि 324 था, यहां से हमने उसकी जीएसटी पेड निकाल दिया जो कि 1296 था। फिर हमें बता तो जीएसटी कैसे पी किया होगा 18% क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी कितना 18% और एक्स, एक्स उसका सीपी माना हमने, यहां से हमने उसका सीपी निकाल दिया, सीपी में हमने उसका टैक्स जोड़ दिया तो हमारे पास नेट नेट जीएसटी पेड आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आते हैं तो आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, तो आपको जो भी डाउट है मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।